इंटरमीडिएट सीबीएसई बोर्ड में मेरठ के टॉपर अभिनव चुग इस समय हमारे साथ हैं, जिन्होंने 99.8% मार्क्स प्राप्त किए हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं आगे किस तरह से उन्होंने ये उपलब्धि हासिल करी और आगे क्या कुछ उनके सपने हैं। अभिनव, क्या कहना चाहेंगे? बस मैं ये कहना है, आगे मैंने सीए की तैयारी करनी शुरू कर दी है और बस मैंने पढ़ाई इसी तरीके से करी। जब भी पढ़ाई की तो पूरी अच्छे से करी, फ़ोन हटा के करी अपने पास से, और जितनी देर पढ़ो उतनी देर अच्छे से पढ़ो। बस ऐसा नहीं है कि सारा दिन पढ़ना है, दिन में 10 घंटे 18 घंटे पढ़ना है, जितना पढ़ो उतना अपने मन से पढ़ो बस। अच्छा, जिस तरह से बीच में कोरोना काल रहा, 2 साल तक पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई, कैसे तैयारी करते रहे, क्या कुछ करते रहे? बस घर पे बैठे थे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे, कभी भी छोड़ा नहीं पूरी तरीके से कुछ भी, थोड़ा थोड़ा करते रहे और करते रहे। पापा ने भी हेल्प करी, अकाउंटेंट है, उन्होंने भी सब्जेक्ट में हेल्प करी, तो धीरे धीरे करके एक्यूमुलेशन होता गया और सब ने हेल्प करी तो हो गया सब कुछ पढ़ाई। अब 99.8% मार्क्स प्राप्त किए, क्या सपना देखा है? बस सपना, ये सपना ही है जो आज जी रहा हूँ मैं। मम्मी पापा इतने खुश है, मेरे दादू दादी, मेरे सब घर वाले इतने खुश हैं, तो बस ये मेरा एक सपना ही था, आगे भी अच्छे कॉलेज में जाना है एंड सीए करनी है, सीए बनना है, सबको खुश करने का। अभिनव की मम्मी इस समय हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बच्चे की उपलब्धि पर क्या कुछ उनको कहना है। जी, क्या नाम है? मेरा नाम साक्षी है और आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरी दिल से मतलब इच्छा है कि सभी पेरेंट्स के मतलब जीवन में ऐसा दिन जरूर आए एक बार, सभी जाते हैं। और यह है कि बस, लेकिन यह है कि हर पेरेंट्स को ये चाहिए कि उनका बच्चा समाज में एक अच्छा नागरिक होना चाहिए। चाहे ऐसा नहीं है कि नंबर से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, बस एक अच्छा नागरिक बन के आना चाहिए। अभिनव के पिताजी इस समय हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बेटे की उपलब्धि पर उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण चुग है और जैसा कि आज जो भी अचीव किया है इसने, वो सपना होता है सभी का जो हम बहुत टाइम से देख रहे थे। 2 साल पहले भी हमने 10th में देखा था, लेकिन कुछ थोड़ा सा रह गया था, वो आज इसने पूरा कर दिया है। तो बाकी जैसा कि इसकी मम्मी ने कहा कि पढ़ाई में तो बच्चों को अच्छा होना चाहिए, जरूरी नहीं कि मार्क्स आए। हमने इसे फोर्स भी नहीं किया कि आपको 100% ही चाहिए या कितने चाहिए, बस मन लगा के पढ़ो, और इसने मन लगा के ही पढ़ा, जब भी पढ़ा मन लगा के पढ़ा। सबसे बड़ी बात है कि आजकल बच्चे फ़ोन नहीं छोड़ते हैं, लेकिन इसका मैंने देखा है जब ये अपने रूम में पढ़ने जाता था फ़ोन हमारे पास छोड़ जाता था, यानी तब इसको हम भी नहीं फोन बात कर सकते थे, हमें पता था अब ये पढ़ रहा है तो अभी से कोई छेड़ेगा नहीं। तो ये सबसे बड़ी इसकी उपलब्धि है कि फ़ोन को अपने से दूर रखता था, 3 घंटे पढ़े या 4 घंटे पढ़े या 2 घंटे पढ़े, उस समय फ़ोन बिल्कुल भी इसके पास में नहीं होता था। तो ये थे अभिनव के पिताजी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह की उपलब्धि अनुभव ने अभिनव ने हासिल की है और किस तरह से उसने पूरी तैयारी की, और आज जब इतने अच्छे अंकों के साथ उसने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की है तो उसको लेकर पूरे घर में खुशी का माहौल है। कैमरामैन किशन सूदन के साथ प्रेम शंकर जनवानी, न्यूज़ मेरठ।